नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में, और राकेश खबर वैशाली जिले से आई है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत में निषाद समाज के लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायत के ही मुख्यापति सह पंचायत पैक्स अध्यक्ष अजय सहनी को वीआईपी पार्टी की तरफ से निर्विरोध प्रत्याशी चुना गया, जहाँ हजारों की तादाद में लोगों की हुजूम जुटी थी। मंच का संचालन अमरजीत सहनी जबकि इसकी अध्यक्षता प्रयाग सहनी ने करते हुए कहा कि निषाद समाज के लोगों के लिए सन ऑफ मल्ला ने अहम भूमिका निभाई है, और इसलिए हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम लोग भी हर तरह से प्रयास करना चाहिए। वहीं विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं ने निर्विरोध प्रत्याशी अजय सहनी व वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनफ मल्ला की उपलब्धियों को भी इस दौरान गिनाया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि निषाद समाज के लोगों के लिए वे गार्जियन स्वरूप हैं। वहीं मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में राम शरीफ सहनी, अजय सहनी और कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। घर से परिवार का गठन करते हैं, समझौता करते हैं तो हमारी गांव पे जाता है, गांव से समझौता करते हैं तो प्रखंड पे जाता है, प्रखंड से करते हैं जिला पे जाता है, जिला से राज्यवासी के संपर्क। 2020 विधानसभा चुनाव विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी पार्टी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सनफ मल्ला मुकेश सहनी के नेतृत्व में हम लोग जो विधानसभा का एक चुनाव हम लोग लड़ना चाह रहे, जो हमारे प्रत्याशी अजय कुमार सहनी है, मैं इनको तहे दिल से पूरे जितने भी हमारे यहाँ गरीब गुरबा लालगंज विधानसभा में वंचितों जमात की संख्या है, सब लोग हम इनको प्रत्याशी बनाए हैं अजय कुमार सहनी जी को। हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ तहे दिल से हैं, और हम लोग का भावी प्रत्याशी लालगंज से अजय कुमार सहनी है जो वीआईपी पार्टी से हैं, और मैं मेरा नाम अमरजीत कुमार सहनी हुआ, मैं विधानसभा का प्रवक्ता हूँ। आप बोलिएगा, पहले बोल लीजिए तब टिपिएगा। बैठक पहले सभी मीनियर लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की बैठक के मुख्य उद्देश्य है वीआईपी पार्टी का बूथ कमेटी, पंचायत स्तरीय कमेटी, विधानसभा कमेटी पर पुनः विचार करना, और हम लोग कमेटी बना रहे हैं। हर बूथ कमेटी का हम लोग यहाँ पर ही सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हर समाज के लोग हैं, हमारे हजारों हजार की संख्या में हैं, हर समुदाय के लोग हैं, वो लोग हमें निर्विरोध विधानसभा के रूप में भेजने का काम कर रहे हैं। ये लोग का मांग है कि आप मेरा विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में रहिए, और इन लोगों को बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लालगंज विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हमें काम करने का मौका मिला है। हर जाति हर धर्म के लोगों के बीच ये सभी लोग आप देख लीजिए, यहाँ पे हजारों हजार के संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार सहनी है, वीआईपी के हम सदस्य हैं, और शुरू से जब से वीआईपी का नींव रखाया है तब से हम इसमें कदम में कदम मिला के शुरू से जुझारू रूप से हम काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। तो जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होती नजर आ रही है और जनता के बीच जाकर अपनी पहुंच बनाना चाहती है। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।